अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गए भाई आप सबका एक अनदर व्लॉग में। तो यार आज मिड का पेपर है और भाई तैयारी नहीं की थी भाई, सीधी सी बात है, सारा कुछ आपको पता है। अच्छा, तैयारी नहीं की थी तो अब जा रहे हैं भाई मिड का पेपर देने। तो यार जल्दी जल्दी मैं उठाऊँ सही बताऊँ मैं आप। पेपर सही नहीं होगा, सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली जिंदा। तो यार इसका ये बड़ा बदहुसी है सर, फुल नंबर आता है ऐसे बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो याद है पेपर आता है, मुझे नहीं आता, सारे बेवफा हैं। ओनली आई एम लॉयल विद यू गाइस। ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरा 60% नॉट सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। यार सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ भी नहीं, लॉयल्टी इज एवरीथिंग, प्लीज लॉयल। यहाँ ये दिखा देता हूँ तेरा ब्लॉग किस तरह बना है, दिखा देता हूँ। तुम सब ने पेपर देने यूनिवर्सिटी नहीं आना क्या भाई? सामने बस मुड़ रही है और आवाम जनता नाच खड़ी है पॉइंट पे, सिर्फ हम ही लेट हैं। ऑलवेज ब्रो, नो प्रॉब्लम, नॉट नॉट सच न्यू थिंग। ओए होए होए होए, थकम पेड़ थकम पेड़। आवाम लड़के चढ़ रही है, सारी तरह लड़कियां लड़के चढ़ रही हैं। नंबर वीरा चढ़दा वे आंदे चढ़न यार, आगे जगह पता बन तो जानी है। चलो यार। हाँ भाई स्माइल स्पेशल बस आएगी। अच्छा सही सही, रुको जरा सबर करो। हाँ साहब स्पेशल गाड़ी नहीं आनी थी, अब ऊपर चढ़े हैं भाई। तो ये जगह मिल गई है खड़े होने की, इनको रक्षे फटने वाले पे चढ़ा के भेजते हैं। सबको आए हो गया जी, आए आए भाजी आए। ये बच्चे भाई ऐसे रोड बैक खड़े थे, धरना देने आए हुए हैं, इनको भी बस नहीं मिली। पेपर देने आए हैं लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू, ना रोल नंबर स्लिप है, ना पेन है, ना मार्कर है। क्लास में जाएंगे मांग मूंगे काम शाम चलाएंगे, फीस नहीं भरी थी, रोल नंबर स्लिप कहाँ से आनी थी, LMS ऑफ था। तो क्लास में भी पहुँच गए हैं कि भाई टीवी हमारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये भाई मेरे सीनियर था, सीनियर सुन रहे हैं चुप करके। तो भाई यहाँ पेपर है बुलाओ यार, और क्लास रूम खाली है, कोई भी नहीं है। जिंदगी में पहली बार इतनी जल्दी आएंगे, पहले पहुँचे और क्लास रूम खाली हो, खामोशियाँ। दिल किराए के लिए खाली है, किराए के लिए पैसे नहीं है, शुद्ध गरीब है भाई। मैं गरीब हूँ, माफिया भाई माफिया। यार रश तो मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है जैसे चावल बन रहे हैं। अब सारी तो अभी बहुत देर है लेकिन चावल खाने वहाँ पहले पहुँच गई है भाई। बच्चे बच्चे वीसी वीसी है वे, वीसी को पता यहाँ थी, इनको मार के मारे उतर जाके ठग करके लगेगी, तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा हमारा वीसी बड़ा समझदार है, पता कैसे, अब यहाँ पर ना पेपर हो रहे हैं बच्चों के, उधर पीछे क्लासेस में नहीं जाएगा बच्चों के पेपर चेक करने या मीडिया के सामने, इधर मीडिया लेके भाई मैं विजिट करता हूँ बच्चों को पेपर्स के दौरान, मैं माहौल को चेक करता हूँ, एनवायरमेंट को चेक करता हूँ। जो सी नई बिल्डिंग बनी होती है भाई, वीसी साहब वहाँ अपने ट्राउजर प्लान को उधर ले गए, पहुँच गए भाई मीडिया लेके, कि मैं यार बहुत अच्छा बनता हूँ, मैं जा रहा है ना भाई शो कहाँ जाए आगे भाई, लैंड क्रूजर पीछे भाई, ग्रैंडी शरंडियाँ उसके पीछे डाले शाले आए हाए मजे। आई एम सॉरी बाबू। हाँ भाई कहाँ की बस है? फौजी चौक। कार उसकी मिली नहीं रही, बताएं क्या चीज। तो गाइस हमें पॉइंट नहीं मिल रहा, हमारी बस नहीं मिल रही, तो अभी हम जलील हो रहे हैं, लफंटरों के साथ भटक रहे हैं। तुम्हें ऐसा किसी का रोजा नहीं है, खाना खाने जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें ऐसे लिफ्ट वो करा दूंगा, कंपनी दे दूंगा, चलो मैं भी चलता हूँ। एक स्कीम है बड़ी, सारे होटल बंद है, कोई मसला नहीं है, चाचा बना रहा है, देख चाचा से कहते हैं 400 की लेकिन 10 लाख आपको बर्थडे, 10 लाख खाने चावल दा रज के वकील था, रोटी दे बोटी कदी ना मुक्सी। हाँ पूरा शहर घूम दे वाली बाबे दी बिरयानी, पूरा शहर घूमा बिल ही नहीं रहा भाई, की होटल शोटल कोई ढाबा खुला ही नहीं है, एक ढाबा खुला है पर्दे डाल के, पीछे पता नहीं अब क्या सीन चल रहा है, वो तो मैं नहीं पता, पर देखिए अनबॉक्सिंग करके पता चलेगा। बता वे दरवाजा खोल यार, ये देख यार प्लेट, ओए होए होए गरम, ओए होए पर्दे पर्दे में रहने दो, ये बाबा है भाई ज्यादा पेट हो गया बाकी रहना। नाइस क्या हाल करो, जा एक ही कितनी बदे हो अदा ख्याल करो, दिल भरो तले तेरा पार्सल आया वदे, कैश है उनरिच? हां यार कैश है, दसाल से जल्दी दसा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, आपको दिखा मोबाइल लिया है,
नहीं यार एक और चीज निकाल जल्दी अल्लाह के बंदे देखे सादा पे की तरफ से एटीएम आया यार मेरा वो एटीएम में फंसा था मैंने निकलवाया नहीं 3 महीने हो गए हैं उनको गुम हो गया होगा ये सादा पे का सादा पे की तरफ से यार गुड हो गया भाई अमीर बंदे अच्छा देखे भाई हाँ बात है भाई टाइम बहुत नजदीक था तो अभी दोस्त मेरे रूममेट थे जिनका मतलब रोजा वगैरह तो उनके लिए फिर अली बिरयानी हमने कहा उनके पास बिरयानी खाने का दिल था 3 दिन से तो अभी उनके लिए अली बिरयानी से बिरयानी ले रहे हैं ये भाई रजा भाई ये ले रहे हैं कैसे ठीक है मैं तो खैर पैर कोई खाई थी तो मैं तो नहीं लूँगा ये ले गए अफ्तारी वैसे यार टाइम हो गया सारे मतलब अफ्तारी का टाइम हो गया यहाँ अफ्तारी लोगों ने शुरू कर दिया है अभी इनके रोते मैंने कहीं पर अफ्तारी कर ले लेंगे कहते नहीं यार उधर हॉस्टल जाके करेंगे तो अब 2 मिनट में हॉस्टल पहुँचते हैं भाई इनका अफ्तारी का टाइम हो चुका है 75 मिनट दही वगैरह तो हमने हॉस्टल भेज दिया है तो सॉरी बिरयानी भेज दिया दही लेने हम जा रहे हैं उनका बताने शुरू हो गई है रोजा खुला हुआ है बोलने का दही खाने के बाद दही लेना है ये वाला भाई इसके पास होगी मेन्यू वाले के पास देख लेंगे आधा किलो वाला हाँ यही आपके जी दूध है ये हाँ ये दही है आपके जी चल ठीक है वैसे अफ्तारी कर लिया खोल लिया टाइम हो गया ना जाओ और ये क्या है क्रीम से लिया है बोल रहे ये ऐसा बस पानी मिंट है ना जन्नत का शरबत ये भी लगता है अफ्तारी करवा रहे थे रास्ते में तुम उनके उठाए हो जूस शरबत उनका बर्फ भूल गए यार बर्फ याद ही नहीं करवाया आप लोगों ने अब उनका तो रोजा तो खोल रहे हैं मैं अब जाके उनके लिए बर्फ लेके आता हूँ तो बर्फ लेने चलते हैं मिल गई रे बर्फ कौन बोलता है ब्लॉगर की जिंदगी आसान नजर ये तो बताओ स्ट्रगल इज रियल ब्रो हेलो यार हम कर रहे थे पेपर की तैयारी ये गए हुए थे बाहर तो सर जी ने इससे मंगवाया है कहाँ है मेरा जिंजर मैं चाबी निकाल दूँ आए हाय 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 चाबी कहाँ है देखे गए थे ना यार मैं चाबी निकाल लूँ आप कह रहे थे कमजोरियाँ हो गई जेब वो सब चाबियाँ गिर जाती हैं हमारे तो कह रहा मिल गई है मैंने ताला तुम मुझे पता मेरे से मंगवाते ने यहाँ ताला ले गया भाई इस बार ये पढ़ना था ताला भी ये पड़ा है ये वाला ताला तोड़ दो ना शादी नहीं ये ताला उठा के यहाँ था हाँ वो वाला ताला ये पड़ा था ये ईंट पड़ी जिससे मैंने ताला तोड़ा था आई थिंक इधर ही कहीं नहीं है वो ताला हाँ बस ये ताला ही ठोकता था सारा ये दरवाजा को मेरे राजी है वाला ईंट मार मार के